पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र के बृहस्पति कुंड क्षेत्र के आसपास रहने वाले आदिवासियों की पिटाई का मामला सामने आया है। वन विभाग व पुलिस कर्मचारियों पर इन्हें पीटने का आरोप लगा है, जिसमें 3 से 4 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसको लेकर सांसद वीडी शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बृहस्पति कुंड क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं और इसी कुंड से निकलकर बहने वाली एक छोटी सी नदी में हीरे की चाल यानी उथला ग्रेवर निकालते हैं, जिसको धोकर छोटा मोटा हीरा खोजते रहते हैं। ऐसे मजदूरों के साथ वन अमले ने बुरी तरह से मारपीट कर दी। एक घायल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले के सामने आ गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वन अमले के अफसरों की फोन पर क्लास लगा दी। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, पैर टूटा हुआ है इसका, और एसडीओ और इसकी बात कर रहे हो तुम, हैं? भगवान हो गए आप लोग, वन विभाग के लोग भगवान हो गए, किसी को ही मारेंगे गरीब को। अरे भाई मैं कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो आप, आपका एसडीओ ठीक बता रहा है, इसकी जांच कराइए इमीडिएट, मैं कह रहा हूं आपसे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। और ये एसडीओ को, एसडीओ कौन है, इनको ठीक कर देंगे, कौन है जो जिन्होंने किया है, ये कोई तरीका होता है क्या है? भाई गरीब लोग हैं बेचारे, उनको मार रहे हैं, आप बताइए ना क्या बात है, कानूनी कार्रवाई क्या है, मारने का किसने अधिकार दिया है भाई? उसका पैर टूटा है बेचारे का, गरीब का देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर। इनका इनका पूरा डिटेल बताओ, और ये कौन ने किया है, कौन लोग बात। वही अधिकारियों को मारपीट के मामले में आदिवासी महिला एवं पुरुष क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर पन्ना पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर एक आवेदन दिया, जहां उन्होंने अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये हमारे आदिवासी जो भाई बंधु है, ये लोग बृहस्पति कुंड में खदान लगाए हुए हैं, जो तो वहाँ पे कल फॉरेस्ट की टीम आके इनको छापामारी में इनके साथ मारपीट किया है, और जो भी सामान थे वहाँ पे सब सामान भी छुड़ा के ले गए हैं, तो इसलिए आज हम लोग सभी लोगों को लेके एसपी साहब के पास आए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में इसके अलावा कोई भी और काम ऐसा नहीं है कि जिससे इन लोग अपना पेट भर सके, और अगर वहाँ पे काम बंद हो जाएगा तो इन लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना होगी कि उनको अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। हम गए थे काम करने, तो वहाँ 10 बजे के लगभग पुलिस उतारे आई और फॉरेस्ट गार्ड, तो हमको रगड़ने लगा, मारने लगा, और कुल्हारी लिए थे, बका लिए थे, वो काटने फोड़ने लगा, मोटर सेक्शन डिलीवरी मोटर लेके रोज, और हमको पंचायत काम नहीं मिलता है, वैसा पंचायत का काम मिला तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते। हाँ साहब, सबको काम नहीं मिलता है, अब तो 5-6-7-8 आदमी लगाए पंचायत में, तो समय से पैसा ना मिलो, हम गरीब आदमी कहाँ हम इतना रुक सकते, हमको तो अकाउंट में पसाब करता है, आवाते अब 4-6 लड़का बच्चे या 2 हम। वही मामले पर पन्ना एसपी का कहना है कि आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है और इस कार्यवाही में जांच के लिए अजयगढ़ एसजीओपी को तैनात किया गया है। जो घायल लोग हैं वे जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, घायलों का डॉक्टरी मुआयना एमएलसी करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि जो बृहस्पति कुंड है उसके नीचे का जो एरिया है वहाँ पर अवैध खनन की कार्रवाई चल रही थी, जिसके चलते जो है वहाँ पे फॉरेस्ट और जो सतना पुलिस है उसके द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि उनको चोटें लगी हैं, तो इस प्रकार का एक आवेदन उन्होंने मुझे सौंपा है, तो उसको मैंने एक बार SDOP अजयगढ़ को जाँच के लिए दिया है, और उसमें ज्यूरिसडिक्शन जो भी डिसाइड होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से जो घायल है वो खुद ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उनका शायद MLC बन रहा होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अधिकारियों की फटकार लगाने के बाद इस मामले में जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, पन्ना।